नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी रानी है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पंच परमेश्वर कहानी का पहला भाग जाना था, चलिए आज हम उसका दूसरा भाग देखते हैं। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला, खाला का अर्थ होता है मौसी, थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत का अर्थ होता है जागीर, जो उसके पास संपत्ति के रूप में थी। परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन शेख की जो खाला थी, उसके रिश्तेदार कोई भी नहीं थे और उसके वंश में उसकी में जो मिल्कियत थी, उसे संभालने वाला कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा की गई। अर्थात जब तक खाला यानी कि मौसी की जो मिल्कियत थी, उसे जुम्मन शेख अपने नाम न लिखवा लिया, तब तक खूब ज़्यादा उनका आदर सत्कार किया गया, उनकी सेवा की गई। परंतु जैसे ही वह अपने नाम वह मिल्कियत लिखवा लिया, उसी क्षण से वह ऐसा लगा जैसे उनके सेवा पर भी एक पाबंदी सी लगा दी गई और उनका सेवा बंद कर दिया गया। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जैसे ही रजिस्ट्री पर मुहर लगाई गई कि वह खाला जान से जुम्मन शेख की मिल्कियत हो चुकी है, उसी प्रकार खाला जान की सेवा शुश्रूषा पर भी मुहर लगा दी गई। जुम्मन की पत्नी करीमन, जुम्मन की पत्नी का नाम था करीमन, रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज, जब जब खाला को रोटी देती थी। रोटी का अर्थ यहाँ खाना के रूप में किया गया है। जब जब उन्हें खाना दिया जाता था, तब तब बातों के कुछ तेज यानी कि कुछ बात भी सुनाई जाती थी, दो तीन ताने भी दिए जाते थे, तीखे सालन भी देने लगी। सालन का अर्थ होता है खड़ी कोटी यानी कि बुरी बात कहना, वैसी बात जो खड़ी हो यानी कि सुनने में अच्छी ना हो। जुम्मन शेख भी निठूर हो गए। निठूर का अर्थ होता है निर्दयी। जुम्मन शेख भी निर्दयी हो गए। उन्हें भी खाला का जरा भी ध्यान न था। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। अब बेचारी जो खाला जान थी, उन्हें हमेशा ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। हमेशा पति पत्नी यही बोलते रहते थे कि यह बुढ़िया, यहाँ खाला जान को अब बुढ़िया भी कहा जाने लगा था कि बुढ़िया अब पता नहीं कब तक जिएगी। दो तीन बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। हमेशा उन्हें यह कहा जाता था, दो तीन बीघा जमीन को बोला जाता है। जमीन यानी कि जमीन मापने की एक इकाई होती है। जब दो तीन बीघा जमीन उसने अपने नाम करवा लिया था जुम्मन शेख ने, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि दो तीन बीघा उसर क्या दे दिया यानी हमारे नाम लिख क्या दिया। ऐसा लगता है जैसे मानो मोल ही दे दिया यानी जिंदगी का बहुत बड़ा अनमोल चीज़ ही दे दिया। बाघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती यानी कि अच्छे दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। वो खाला जान को ताना के रूप में ये कहते हैं कि जब तक उन्हें अच्छी दाल ना दी जाए, तब तक सूखी रोटियां उनसे नहीं खाई जाती। ये उन्हें ताना देने के लिए कहा जाता था। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गाँव मोल ले लेते। खाला जान से ये कहते हैं कि जितना रुपया आपकी सेवा में अब तक लगा चुके हैं, उतने में तो पूरा गांव अपने नाम लिखवा लिए रहते। देखिए, यहाँ जब तक खाला जान की मिल्कियत संपत्ति अपने नाम ना लिखवाई गई, तब तक कोई बीच में दरार नहीं था, कोई बात नहीं सुनाई जाती थी, कोई ताना नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे ही खाला जान ने अपनी संपत्ति अपने बहन के बेटे के नाम कर दिया, वैसे ही वो सब सेवा बंद कर दी गई और फिर उन्हें ताना दिया जाने लगा। कोई आप पर विश्वास करता है तभी आपको अपना समझता है, और कोई आपको अगर 10 रुपया दे रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो अपना विश्वास आपको दे रहा है।
लेकिन जब वो विश्वास टूट जाता है तो मन को नहीं बल्कि दिल को ठेस पहुंचती है। यही हाल यहाँ पर खाला का था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिश्तेदार ना होते भी हुए भी उन्हें एक बेटा मिल गया हो। वो जुम्मन शेख को अपना बेटा समझने लगी और अपने बेटे के नाम वो सारी मिल्कियत कर दी। लेकिन बेटा यह भूल गया कि वो उसे जमीन नहीं बल्कि अपना दिल दे रही है, अपना विश्वास दे रही है, और वह इस विश्वास को तोड़ने में तनिक देर भी ना लगाया। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। एक मनुष्य के अंदर जितनी भी सहन शक्ति होती है वह तब तक सहता है, और जब ना सहा जाता तब वह विद्रोह करने लगता है। उसी प्रकार खाला जान ने खड़ी कोटी कुछ दिनों तक सही और बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया, लेकिन जब उससे ना सहा गया तब उसने इसकी शिकायत जुम्मन शेख से की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कोई भी व्यक्ति घर के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। अगर दो स्त्रियां लड़ रही हो तो कोई भी पुरुष नहीं चाहता कि उनके बीच में दखल दिया जाए, क्योंकि स्त्रियों की प्रवृत्ति अधिकांश ऐसी होती है कि दो स्त्रियां एक छत के नीचे बहुत दिनों तक शांति से नहीं रह सकती। उसी प्रकार जुम्मन शेख को ऐसा लगा कि ये दो स्त्रियां हैं जिनके बीच में आपसी वाद विवाद हो रहे हैं और इस बीच में मुझे बोलना शायद सही नहीं है। कुछ दिन तक यो की रो धोकर काम चलता रहा। कुछ दिनों तक खाला जान ने रो धोकर काम चलाया। अगर कोई उन्हें ताना देता भी था तो वो चुपचाप सह लेती थी और भीतर ही भीतर कपस के रह जाती थी। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा, अर्थात मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊंगी। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जब खाला जान से बर्दाश्त नहीं हुआ और बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तब उसने जुम्मन शेख से कहा, बेटा अब मैं तुम्हारे साथ रहने में असमर्थ हूँ और तुम मुझे समय समय पे रुपये दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये कहाँ यहाँ फलते हैं। अर्थात जुम्मन शेख बड़े ही निर्दयी भाव से उत्तर दिया, रुपये यहाँ पेड़ पे फलते हैं, यानी कि कहाँ से आएंगे रुपए जो मैं आपको दे दिया करूँगा। खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। खाला जान ने यह कहा बिल्कुल नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ और प्यार से, कि मुझे खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ रूखा सूखा चाहिए भी या नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। देखिए कितनी बुरी बात है, एक बूढ़ी औरत जिसने अपना सब कुछ अपने बेटे समान बहन के बेटे को दे दिया, उसे आज यह सुनने को मिल रहा है कि किसे पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। कोई भी इस दुनिया में सदा के लिए जीवित रहने नहीं आता। अगर कोई जन्म लेता है तो उसे एक ना एक दिन मरना ही है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है। यह बात जानते हुए भी जुम्मन शेख ने कितने निर्दयी भाव से अपनी खाला यानी अपनी मौसी को यह जवाब दिया कि मैंने तो यह सोचा था कि तुम बूढ़ी हो गई हो और कुछ दिनों में मर जाओगी, लेकिन किसे पता था कि तुम मौत से लड़कर हमेशा जीने के लिए आई हो। यह बात खाला जान को बहुत बुरी लगी। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। इतनी बुरी बात सुनने के बाद, अपना सब कुछ किसी पे विश्वास करके दे देने के बाद, और जब वो इतनी बड़ी और इतनी बुरी बात आपको कहे तो हमेशा दिल पे जाके लगती है। उसी प्रकार खाला को भी ये बात बहुत बुरी लगी और वो बिल्कुल बिगड़ गई। और कहते हैं ना, कोई भी बात हो, हाँ मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, हाँ मैं तुम्हें पंचायत में देख लूँगा। उसी प्रकार खाला भी यहाँ यही कहती हैं कि अब मैं पंचायत में तुम्हें देख लूँगी, मैं ये शिकायत पंचायत के पास लेकर जाऊँगी। जुम्मन शेख हंसे। उन्हें लगा कि ये मजाक कर रही हैं और खाला एक बूढ़ी औरत होकर इनसे क्या जीतेंगी, और वो अपने बेटे समान
जो उनका बेटा की तरह था, अपनी बहन का बेटा था, उसका शिकायत पंचायत में लेकर थोड़े ही जाएंगी। यही सोचकर जुम्मन शेख हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, यह पंक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश बार परीक्षा में आती है, इसे आप भी रेखांकित कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसी बात दी गई है जो कि एक मुहावरे के रूप में है, जिस प्रकार मुहावरा नहीं लोकोक्ति कहा जा सकता है। जैसे कोई शिकारी यानी कि शिकार करने वाला हिरन को जल की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराता है, उसे ऐसा लगता है कि हिरन जल की तरफ जाएगा और वो जैसे ही पानी पीने में मस्त हो जाएगा कि हम उसका शिकार कर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ जुम्मन शेख को ऐसा लगता है कि वो पंचायत में जाकर कुछ नहीं कर पाएंगी, उल्टे ही पंचायत जुम्मन शेख का साथ देगी। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाएगा। मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। जुम्मन शेख यह कहते हैं कि जरूर पंचायत करो, जाके शिकायत करो, मुझे भी यह दिन रात का खटखट यानी कि बार बार कुछ इधर से ताना देना, उधर से सुनना, रोना गाना, ये सब मुझे भी पसंद नहीं। पंचायत में जिसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों की श्रेणी न हो। यहाँ यह बताया गया है कि पंचायत में तो जुम्मन शेख को ऐसा लगता था कि उसकी जीत निश्चित है और आसपास के सभी गांव में उसके पिता और उसका बहुत ही आदर सम्मान था। और ऐसा कौन है जो उसके अनुग्रहों की श्रेणी न हो। श्रेणी का अर्थ होता है आभारी, जो उसके अनुग्रह का आभारी न हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके, जो उसकी बराबरी कर सके। आसपास के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे ही नहीं। फरिश्ते यहाँ उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो कहा गया है जो पंच के रूप में पंचायत में बैठने वाले होते हैं। पंच के रूप में उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाता है या बैठाया जाता है जो सही न्याय ले सकते हैं और सही फैसला दे सकते हैं। तो पंच के बराबर जो मनुष्य होते हैं उन्हें यहाँ फरिश्ता कहा गया है। और ये कहते हैं जुम्मन शेख कि आसपास के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे ही नहीं, यानी जो भी पंच हैं वो पंचायत करने नहीं आएंगे और जुम्मन के विरुद्ध में फैसला नहीं सुनाएंगे। इस प्रकार हमारे यह दूसरा जो भाग है वह ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम तीसरे भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।